अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। काफी डिफिकल्ट था पर वन काइंड ऑफ इजी था। काफी अच्छा एग्जाम था सर। सेंटर वाली फील आती है। PW के बारे में और क्या कहना चाहेंगे, इनका फीडबैक? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अदर एग्जाम्स के लिए भी ले रहे हैं, शायद UGC नेट के लिए फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा है। तो ये आपका जो रियल टेस्ट है, एक्चुअल पेपर जो होता है, उसके रिजेंबलेंस में कितना आपको लग रहा है ये? सर 23 वाला काफी डिफिकल्ट था, उसके बाद जो लेवल आया है उसके बाद से आई थिंक सिमिलर ही था। सो आपको क्या लगता है कि रियल टेस्ट में जो आप जो एक्चुअल पेपर में जो आप स्ट्रेस फील करते हैं, ये स्ट्रेस वैसा आपको कुछ तो ये आपका जो एक्चुअल पेपर होते हैं उसमें अगर क्वालिटी के टर्म्स में बात करें कि क्वेश्चन टाइप्स में वो कैसा था, तो कैसा लगा आपको इसका एक्सपीरियंस? अच्छा लगा, पेपर भी अच्छा था। पेपर भी अच्छा। तो काइंड ऑफ कि अगर पेपर का आप बात करें कि चैप्टर का रिविजन हो गए, इनके क्वेश्चन टाइप्स के बारे में हो गया, तो एक्चुअली मॉक दे के ये पता चल जाता है ना कि कहाँ पे लैग कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सब। तो ओवरऑल आपका फिर एक्सपीरियंस क्या, फीडबैक कैसा रहा? एक्सपीरियंस अच्छा था, जैसा पेपर आता है वैसे पेपर। किस सब्जेक्ट में अपीयर कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स। सो पेपर की क्वालिटी एंड लेवल कैसा था? पेपर वन काइंड ऑफ इजी था, पेपर टू का लेवल बिल्कुल एग्जाम जैसा था। तो जो आप स्ट्रेस जो एक्चुअल एग्जाम में फील करते हैं, आप यहाँ फील कर पा रहे हैं? थोड़ा सा तो हमको था ही कि मतलब PW से हो रहा है, तो थोड़ी बहुत कंफर्टेबल था, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस तो होता ही है बिकॉज एग्जाम देने आ रहे। तो ओवरऑल फीडबैक क्या देना चाहेंगे? फीडबैक अच्छा था, जगह भी सही थी। तो हम लोग जैसे कि अगर जो न्यू अभी स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, एंड जो PW का हमारा रियल टेस्ट एक इनिशिएटिव है, इस पर अगर जो बच्चे अपीयर करना चाहते हैं उनके लिए कुछ बहुत हेल्पफुल है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इवन रियल कंडीशंस में हो जाएगी, आपको थोड़ा बहुत ये रहेगा कि हाँ एग्जाम हो रहा है बिल्कुल। तो आपका एक्चुअल पेपर के रिजेंबलेंस में कैसा था पेपर आपका? जैसा एग्जाम में आता है वैसा ही क्वेश्चन था, पेपर वन थोड़ा उसके मुकाबले थोड़ा ईजी था, पेपर टू में थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एक्चुअल एग्जाम्स में भी आते हैं, तो आपको स्ट्रेस के टर्म्स में कैसा लगा कि स्ट्रेस जो फील होता है? स्ट्रेस तो थोड़ा था, लेंथी क्वेश्चन था तो थोड़ा स्ट्रेस था, लेकिन ये पता था कि ये मॉक टेस्ट है तो थोड़ा इजी। तो ओवरऑल फीडबैक एंड सजेशंस देना चाहिए? बहुत बेटर ऑप्शन। किस सब्जेक्ट में आप अपीयर किए? सर मेरा कंप्यूटर साइंस में एग्जाम था। कैसा रहा ये हमारा फर्स्ट टाइम हमारा कंप्यूटर साइंस इंट्रोड्यूस हुआ है? काफ़ी अच्छा एग्जाम था सर, और सबसे अच्छी बात काफ़ी अच्छी तरह से कंडक्ट कराया उन्होंने, बहुत अच्छी तरीके से, और मैं काफ़ी दूर हिसार से आया हूँ और अच्छा एग्जाम देने को मिला। So, जैसे कि उम्मीद थी कि मुझे एक अच्छा पेपर करने को मिलेगा, एक प्रैक्टिस होगी रियल टेस्ट के लिए, तो वो एक इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा और फायदेमंद। तो कितने दूर से आए हैं ज़्यादा आपके लिए? सर मैं हिसार से आया हूँ, 200 किलोमीटर के आसपास। ओके, स्पेशल एग्जाम। तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस की बात करें जो एक्चुअल पेपर में होता है, तो क्या ऐसा कुछ है वो फील हुआ आपको? बिल्कुल सर, एक नर्वसनेस तो होती है एग्जाम में, हमें कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है और कैसे हमें एग्जाम देना है और कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो एक अच्छी प्रैक्टिस हुई है तो उससे एक बहुत ज़्यादा फायदा मिला। तो ओवरऑल फीडबैक आपका क्या रहा? अच्छा इनिशिएटिव है सर, और आगे भी आप ऐसे एग्जाम कराते हैं। तो पेपर ओवरऑल कैसा था विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल पेपर? पेपर अच्छा था, रियल टाइम में हुआ था, तो स्ट्रेस हो रहा होता है घर पर, वो चीज़ें नहीं हो पाती। ओके, हम बिल्कुल सेंटर वाली फील आती है, तो हम सही से अटेम्प्ट कर पाते। तो ओवरऑल फीडबैक कुछ देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? अच्छा था, आगे भी हम देंगे अगर एग्जाम के टाइम पर।